अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे चुरोस, जो कि एकदम अपने स्टाइल में बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है ना कोटिंग के लिए शुगर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है आधा कप चीनी और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच दालचीनी का पाउडर। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद में रख देंगे इसको किनारे। और ये जो है ना बहुत ही अच्छी बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जैसे मैंने बनाया ना स्टेप बाय स्टेप, आप लोग भी वैसे ही बनाइएगा तो आपके रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। मतलब कि चुरोस के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मतलब ये मत सोचिएगा कि इसको बनाने के बाद में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो अब हम तैयारी करते हैं चुरोस बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक कप पानी लिया है और उसके अंदर डाल दिया ये 2 टेबल स्पून भर के मक्खन। अच्छा, मक्खन अगर आप सॉल्टेड लेंगे ना तो इसमें आपको नमक ऐड नहीं करना है, और अगर अनसॉल्टेड अगर आप बटर लेते हैं तो इसमें आपको नमक ऐड करना पड़ेगा आधी चम्मच 1/4 चम्मच के करीब में। उसके बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 चम्मच भर के चीनी। और मैंने क्योंकि ना सॉल्टेड बटर लिया हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें नमक यूज़ नहीं किया हुआ है। उसके बाद में हम बटर को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे, बटर हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और जब हमारा जो है ना थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा बॉयल शुरू हो जाएगा होना, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप भर के मैदा। तो ये हम मैदा इसमें डाल देते हैं और उसके बाद में फ्लेम हमारी एकदम से लो हो जाएगी और उसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे को। और अभी जो है ना ये सारा मैदा हमारा इकट्ठा होने लगेगा। तो ये देखिए मैदा हमारा एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, मिक्स हो चुका है इसके अंदर में। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और चीज़ें। तो उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हम वनीला एसेंस। तो ये 1 चम्मच के करीब मैंने वनीला एसेंस लिया हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में 1 अंडा हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर जो है ना इसमें आपको मिक्स करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जो मिक्सर में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसी में जो है मिक्स कर लिया था मैंने अंडे को, मैंने मिक्सर का यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फ्लेम अपनी जो है ना वो मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है फ्लेम को। मैंने अभी मेरा जो है ना ये स्टोव अभी चालू नहीं है, वो पॉज है अभी। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से जो है ना तैयार हो गया, ये पूरा इकट्ठा होने लगा है मैदा अंडा वगैरह डालने के बाद में। तो अब हम चुरोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो सेव वाली मशीन होती है ना ये मैंने यूज़ की है, क्योंकि पाइपिंग बैग मैंने यूज़ किया था तो मेरा जो बैग है वो फट गया इसको डालने से। तो मैंने जो है ना फिर ये सेव वाली मशीन निकाली थी, तो उसी में अब हम इसको अपने चुरोस को बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बन गया था। थोड़ा सा साइज़ छोटा था लेकिन बना बहुत अच्छा था। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं बड़ा वाला जो है केक वाली जो वो नोज़ल होती है ना, तो बड़ी वाली नोज़ल लेकर के हम आएंगे। मेरे पास छोटी नोज़ल थी जिसकी वजह से अच्छे से नहीं बन पा रहा था और मेरा जो बैग था वो भी फट गया था इसमें। तो मैंने जो है ना ये सेव वाली मशीन निकाली, ये मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी। मुझे याद आया कि मम्मी ने मशीन भेजी थी, तो बस आज मैंने वो निकाल ली फटाफट से और उसी में तैयार कर दिया। तो बस हम इसमें ना बैटर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद में ये देखिए हम इसको घुमाते जाएंगे ऊपर से और ये नीचे से जो है चुरोस हमारे निकलते चले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे मैंने इसमें कट कर लिए हैं, ये भी हम इसको कैंची से कट कर लेंगे। तो ये फिर से हम निकालेंगे इसको। तो इसी तरीके से हम जो है ना अपने सारे के सारे जो है बना करके रख लेंगे। और उसके बाद में ऑयल मैंने निकालना है। ये ऐसे हम सारे ऐसे चुरोस भी बनाएंगे, छोटे छोटे से हम बना करके रख लेंगे। अगर आपके पास में ना पाइपिंग बैग हो और आपके पास जो है ना बड़ी वाली नोज़ल हो तो उससे भी आप बना सकते हैं इसको बहुत आराम से। या मैंने तो सेव वाली मशीन से ही बनाया था और मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो सोचा कि आप लोगों के साथ में भी इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए, तो बस आपके साथ भी मैंने रेसिपी शेयर कर ली। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था और मेरा फर्स्ट टाइम में ही मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत ही सबको पसंद आया। तो ये देखिए सारे के सारे चुरोस हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो हमने कढ़ाई निकाल ली है और उसमें हम डाल देंगे ऑयल और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम हमको रखना है, ऑयल हमारा गर्म बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ आंच पे गर्म नहीं होना चाहिए, धीमी आंच पे गर्म होना चाहिए। देखिए जैसे हमने जब इसमें चुरोस अपने डाले ना तो ये देख रहे हैं हल्के हल्के से बबल्स निकल रहे हैं, जैसे गुलाब जामुन फ्राई करते समय निकलते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हमको अपने सारे चुरोस को जो है ना फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए ये जो है ना अपना कलर इन्होंने चेंज कर लिया, अच्छे तरीके से सब फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये सब के सब गोल्डन कलर आ गया इन पर।
तो इसको जो है ना और थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना, और उसके बाद में हमने बटर पेपर एक लगा के रखा हुआ है प्लेट में, तो उसमें हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, यकीन मानिए ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही प्यारे लग रहे हैं ये सारे के सारे। तो हम और भी जो इतने भी बचे हुए हैं ना, उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं, और इनको फ्राई करने के बाद में फिर हम बनाएंगे अपनी सॉस, जिसके साथ में कि हमको इसको खाना है, तो चॉकलेट सॉस हम अपनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने वो सारे के सारे चूरोस अपने फ्राई कर लिए। तो ये मैंने लिया है आधा कप विप क्रीम, और उसके बाद में इसमें डाल दिया मैंने 85 ग्राम के करीब में डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये मॉर्डे का जो चॉकलेट कंपाउंड आता है ना, बस मैंने वही यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अमूल का यूज़ कर सकते हैं, या जौन सा भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको थोड़ी देर पकाएंगे ना, तो ये इस तरीके से बन जाएगा चॉकलेट हमारा सॉस, चॉकलेट सॉस हमारा बन जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे, कटोरी में निकालेंगे उसको। तो ये जो है ना, जो हमने सिनेमन शुगर बनाकर रखी हुई थी, तो जितने भी चूरोज़ हैं हमारे ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चीनी जो सिनेमन शुगर हमारी जो है ना, इसमें हम हल्का सा इसमें डालेंगे, और हल्की सी कोटिंग हमारी आ जाएगी इसमें, तो खाने बहुत ही टेस्टी बनते हैं लगते हैं ये इसके साथ। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शुगर में आप इसको कोट करें, और चाहें तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे आएंगे ये खाली चॉकलेट सिरप के साथ में। तो हम निकाल देंगे चॉकलेट सिरप, और हमारे चुरोस बनकर के तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।